पाकिस्तान टीम इस वक्त सेटल है. हैविंग सेड दैट, इंडियन टीम को फ़ायदा हुआ होगा आज पाकिस्तान को उन्होंने खेला, पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस किया, उनको समझ आई मुश्किल कंडीशंस में कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम उनके बॉलर्स को इतना ज़्यादा खेल नहीं पाए हैं, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल पर उनको हुआ होगा. दानिश, अगर आज भी पाकिस्तान की बॉलिंग को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेटल है, तो फिर मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है. क्योंकि आज मैंने जितना इंडियन मीडिया को कंफ्यूज देखा, इससे पहले मैंने नहीं देखा. मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा. वो कह रहे थे कि सुसाइड किया इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया है. मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि उनकी निगाह में ये बात थी कि ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, ड्यू फैक्टर नहीं होगा, अंडरलाइट बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा. और इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में एक बुनियादी फ़र्क है. इंडिया की टीम की अगर आप बात करते हैं, उनको अपनी मिडल ऑर्डर बैटिंग की स्ट्रेंथ का पता था, उनको इस बात का अंदाज़ा था कि उनका जो लोअर ऑर्डर है उसमें स्पार्क नहीं है. आप देखो कि एक लम्बे पर लग रहा था 300 करेंगे, नहीं कर सके. एक बार फिर हमारी बॉलिंग जो है उनको पड़ गई. हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि शाहीन शाह आफरीदी ने ऊपर से आपको विकटें लेकर दी. लेकिन अब जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, आज अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने आखिरी स्पेल में भी विकटें लेकर दी. लेकिन ये जो क्रिकेट है दानिश, ये कंप्यूटराइज क्रिकेट है. यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है. यहाँ पर जो एनालाइज करने वाले लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, वर्ल्ड कप में आपको 9 टीमों से खेलना है, वो हर कोई होमवर्क करके आएगा. इस वक्त जो रोहित शर्मा का प्रॉब्लम लग रहा है, 1989 में जब कृष्णमाचारी श्रीकांत की क्यादत में पाकिस्तान भारत की टीम आई थी, तो वसीम अकरम पड़ गए थे श्रीकांत को, हर बार वो उनको आउट कर रहे थे. और इस वक्त जो है वो लड़ गए हैं रोहित शर्मा से शाहीन शाह आफरीदी, वो बस उनके दबाव में आ गए. आज भी जिस तरह वो आउट हुए, तो भारत के लिए अच्छी बात है कि ईशान किशन, उनको पता चल गया कि यार ये बड़ी अच्छी फॉर्म में, चौथा उनका 50 है. फिर हार्दिक पांड्या ने मुश्किल टाइम में अपनी टीम को सर्व किया है, उनके लिए अच्छी बात है. हमारी अगर बैटिंग आ जाती, हमें अपनी गलतियों का पता चल जाता. बॉलिंग में जो आपके कप्तान गलती कर रहे हैं, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि होटल से वो लिख कर लाते हैं 3 उससे डलवाने, 2 उससे डलवाने, मैं सरप्राइज था. आप लोग भी बात कर रहे थे कि क्यों आज आपने जो है वो ऑपरेट नहीं करवाया जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, इफ्तिखार को आप नहीं लेकर आए. वही गलतियाँ आपके कप्तान ने आज फील्डिंग में की, बॉलर्स को खिलाने में. और सारा मीडिया ये बात कर रहा है कि इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही है फास्ट बॉलर पर. वाई फहीम अशरफ के साथ आपने क्यों ऑपरेट नहीं किया? और फिर लास्टली मैं आपसे यही बात करूंगा कि इस टीम को इमाद वसीम की जरूरत है. आज एक बार फिर नवाज जो है वो एक्सपोज हुआ. ठीक है या